Good morning, students. You are welcome in RC Education Hub. Today we'll talk about absorption. आज जो है अपन absorption की बात करने वाले हैं. इससे पुराने वाले lectures के अंदर अपने बात कर ली थी कि ingestion क्या होता है. We have talked about ingestion, alright? Ingestion के बाद में we have talked about digestion. We have talked about digestion. कि digestion क्या होता है? अपन ने इंजेशन की बात कर ली, डाइजेशन की बात कर ली. इंजेशन इज टेकिंग प्लेस बाय माउथ, दिस इज टेकिंग प्लेस बाय माउथ. डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी, ऑलराइट, दिस इज टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर मेनली किसका हो रहा है? स्टार्च का. इसके अलावा वी हैव टोल्ड इन स्टमक, स्टमक के अंदर मेनली किसका हो रहा है? प्रोटीन का. Right, we have talked about protein, that is protein is digested in the stomach. इसके बाद में we were talking about the digestion in small intestine. Digestion in small intestine. इसके अंदर अपन ने देखा है कि जो भी चीजें digest नहीं हुई है अब तक, वो सारी की सारी चीजें आगे चलकर इसके अंदर digest हो रही हैं, small intestine के अंदर digest हो रही हैं, right? इसके अंदर अपने दिखाया है कि कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके अंदर फैट भी डाइजेस्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है, इसके अंदर अमाइनो सॉरी इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड भी डाइजेस्ट हो रहा है. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हुई थी वो सारी की सारी आगे चल रही डाइजेस्ट इसके अंदर हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो मेनली जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और जो भी चीजें डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, दीज थिंग्स आर रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर. ऑलराइट, सो वी हैव टॉक अबाउट डाइजेशन एंड नाउ विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, दिस is mainly takes place in small intestine. किसके अंदर होती है ये? intestine के अंदर. absorption देखते क्या है, sorry absorption की बात करते हैं. ऐसी process जिसके अंदर digested food material जो है villi या फिर villus के through absorb हो रहा है, that process is known as absorption. And the absorption is mainly takes place in small intestine. हमें ये किसके अंदर होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से होता है? वी हैव टॉक्ड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होती है. इनफोल्ड होने के बाद में अंदर की तरफ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विली और सिंगुलर विलस. इनको विलस बोलते हैं. विलस के थ्रू इन एक्चुअल जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. राइट, तो अपन ने देखा है कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है ये विलाय विलस के थ्रू होती है. मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है विलस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं. थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है फैट के एब्जॉर्प्शन के अंदर आती है. तो अब अपन बात करते हैं कि फैट का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है. एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच एनर्जी इज यूज्ड. एब्जॉर्प्शन जो है एक एक्टिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है. फैट की अपन बात करते हैं तो फैट के अंदर अपन देखते हैं कि फैटी एसिड जो है किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं. जो भी फैटी एसिड होते हैं उन फैटी एसिड के चारों तरफ जो है बाइल साल्ट जो है फैटी एसिड को सराउंड कर लेते हैं. बाइल साल्ट जो है फैटी एसिड को सराउंड करने के बाद में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल. This is the fatty acid and these are bile salts. Both are making a structure and that structure is known as micelle. This micelle is absorbed by the pinocytosis. एक प्रोसेस के थ्रू जो है ये micelle अंदर की तरफ मूव करती है. उस प्रोसेस को बोलते हैं pinocytosis. This process is known as pinocytosis. पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के अंदर इन एक्चुअल होता क्या है कि फैटी एसिड को जो है अंदर चला जाता है एंड बाइल साल्ट्स आर रिमूव्ड आउटसाइड. अब ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड के चारों तरफ जो है एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है. दैट प्रोटीन इज सीक्रेटेड बाय गोल्जी अपैरेटस. किसके थ्रू सीक्रेट होती है?
गोल्जी अपैरेटस के थ्रू सीक्रेट होती है। अब जैसे ही फैटी एसिड के चारों तरफ एक प्रोटीन सीक्रेट हो जाती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज चाइलोमाइक्रोन। तो इस तरीके से जो है फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन से पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसेल। मिसेल किस तरीके से फॉर्म होती है, फैटी एसिड इज सराउंडेड फ्रॉम बाइल साल फ्रॉम ऑल अराउंड, एंड दिस मिसेल इज टेकन इन बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये अंदर ले ली जाती है, बट ड्यूरिंग एट दिस प्रोसेस द बाइल साल्स आर रिलीज्ड, ओनली फैटी एसिड इज टेकन इन। अब ये जो फैटी एसिड जो अंदर चला गया है, दिस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन लेयर विच इज रिलीज्ड बाय गोल्जी अपैरेटस। जैसे ही फैटी एसिड के चारों तरफ जो है प्रोटीन सराउंड हो जाती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज चाइलोमाइक्रोन। उस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, चाइलोमाइक्रोन बोलते हैं। समटाइम इट इज आस्क्ड, दिस इज वेरी बेसिक, कि चाइलोमाइक्रोन होते क्या हैं, मिसेल्स होते क्या हैं। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन के दौरान जो है फॉर्म होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं असिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब हुए थे, दीज एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। मेनली जो फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब हुए थे, फाइनली दीज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज असिमिलेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस भी बोलते हैं। सो असिमिलेशन इज डन, एंड द लास्ट एंड फाइनल इज इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे अपन ने खाना खाया है, जो भी काम में आने वाले जो फूड मटेरियल थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, बट जो भी वेस्ट है वो वेस्ट मटेरियल जो है आकर रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है जिसको अपन एनस बोलते हैं, एनस के थ्रू दीज सब्सटेंस आर रिलीज्ड। तो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर अपन जो है, सॉरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर अपन ने 5 स्टेप्स देखी हैं। नंबर 1 इज इंजेशन, 2nd इज डाइजेशन, 3rd इज एब्जॉर्प्शन, 4th इज असिमिलेशन, एंड 5th इज इजेशन। इंजेशन इज टेकिंग प्लेस बाय माउथ, डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस बाय बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विलस। ओके, एंड assimilation is taking place in the cell by mitochondria, and egestion is taking place by opening of rectum, that is anus. So we have talked about all the steps though are included in digestion. All right, thanks, have a nice day.